इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। तो गाइज, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये फंटेसी के अंदर भी लागू होती है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से आते हैं, उस फंटेसी जो प्रेडिक्शन वाले लोग को, उसको देख लिया यहाँ पे, उस यूट्यूबर को देख लिया, उसकी प्रेडिक्शन उठा ली, एक दिन उसकी टीम से खेल रहे हो, एक दिन उसकी टीम से खेल रहे हो, एक दिन उसकी प्रेडिक्शन उठा रहे हो, तो ऐसे क्या होगा, आपको लास्ट में रिजल्ट वही आने वाला है, जीरो रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा। कभी आप एक कंटिन्यूसली किसी एक बंदे के साथ में जुड़ेंगे, उसके साथ में आप लोग खुद की स्किल को इंप्रूव करेंगे, मतलब आपको खुद को बदलाव करने की जरूरत है, आपको खुद को इतनी नॉलेज लेने की जरूरत है कि अगर कोई मुझे ना भी बताए तो मैं खुद से कमाल कर सकता हूं, मतलब खुद से मैं कुछ ना कुछ यहां से, अगर मुझे पिक वगैरह उठानी है, मैं खुद से उठा सकता हूं। तो आपको इतना सीखने की जरूरत है। तो गाइज, है गाइज, मैं हूं मनोज, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैंटेसी क्रिकेट के ऊपर। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, मैच नंबर 39वां मुकाबला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि अगर यहाँ से अफगानिस्तान जीतती है तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है, पूरा ऑल ओवर इंडिया, यहाँ से इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि इंडिया फिर यहाँ से सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचने की ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से न्यूजीलैंड को हराना अफगानिस्तान के हाथ में है, क्या रहता है वो तो अफगानिस्तान और रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स, इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में पिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपके लिए हर मैच के अंदर, जैसे एडम जंप हमारे लिए कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस थी, उसके साथ में ये मैच नहीं, लास्ट मैच नहीं, उससे पहले हम बात करते, जब 5 विकेट निकाली थी, उसके बाद में कल के मैच में आर वन डुशन थे, उसके साथ में हमने कई मैचेस के अंदर अच्छी खासी पिक्स उठाई हैं जो कि हमारे लिए काम की, कल जो सैजलवुड ने हमारे लिए काम किया, तो ऐसी पिक्स आपको कंटिन्यूसली देता रहूंगा। एडम मार्कर ने कल प्रीमियर मल्टी वगैरह में काम किया, तो ऐसी पिक्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, उसके लिए हमारे साथ में जुड़े रहना होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हों वो तो बढ़िया बात है, लेकिन जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगी वो टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टॉप कॉमेंट अबाउट के अंदर मिल जाएगी, जैसे आना चाहो आ जाओ टेलीग्राम के अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ और भी सीख सकें यहाँ से। उसके साथ में गाइस थोड़ा सा ज्ञान और ले लीजिए, उसके बाद में हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, आपको किसी भी बंदे, जो भी आपको पैसे लेकर टीम प्रोड्यूट कराता है या एक्सचेंज 22 पिक अपडेट करता है, तो उससे पैसे बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, फ्री में हम इतना अच्छा खासा कर रहे हैं, हमारा 60-80% का विनिंग रेशियो है, हमारे साथ में जुड़ जाइए। या किसी और बंदे के साथ में जो फ्री में आपको सजेशन दे रहा है या इतनी हेल्प कर रहा है, फ्री में जाइए, किसी को पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। गाइस, जो मुकाबला खेला जाएगा ये खेला जाएगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर, और यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग, जो ग्राउंड है उनसे थोड़ी सी बदल गई है। जैसे पहले आईपीएल के अंदर दुबई की कहानी थी, ऐसे वहाँ पे देखिए, जैसे अगर यहाँ की थोड़ी कहानी और भी ज़्यादा बदल रही है, वहाँ पे दुबई के अंदर बल्लेबाजी थी आईपीएल के अंदर, वहाँ पे भी अभी कंटिन्यूसली थोड़ी बल्लेबाजी को फेवर हो रही, लेकिन शेख जायद स्टेडियम के अंदर भी आपको बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। लास्ट के कुछ मैचेस से आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर आपको 150-140 प्लस स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि ट्रैक अगर मानेंगे तो आप बल्लेबाजी ट्रैक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे न्यूजीलैंड एक भी मुकाबला नहीं खेली है अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए फर्स्ट एक पहला मैच होगा उनका, लेकिन अफगानिस्तान यहाँ पर कंटिन्यूसली खेल भी चुकी है, यहाँ पे जीत भी चुकी है और हार भी चुकी है, तो सब कुछ हम वो आगे अब मैचेस के बारे में जो डिस्कस करेंगे तो वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइस, रिसेंटली यहाँ पे मुकाबले खेले गए हैं वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अभी रिसेंटली मुकाबला खेला गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 161 दो विकेट के ऊपर चेज कर लिया आसानी से। उसके बाद में ऐसे थोड़ा नीचे उतर रहेंगे, श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला खेला गया, स्कोर आपको देखने को मिलेगा हर मैच के अंदर, आप जैसे ही चेक करेंगे आप पर मैच चेक कीजिए, यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान के बीच में भी 200 प्लस जो हाईएस्ट स्कोर बना है अभी इस वर्ल्ड कप का, वो भी यहीं पर बना है। उसके साथ में ऐसे बात करेंगे नीचे, पाकिस्तान नाबिया के बीच में भी खेला गया, वहाँ पर भी अच्छा खासा स्कोर देखने को मिला। एक दो मैच तो जो रिसेंटली यहाँ पे लास्ट कुछ मैचेस हुए थे उससे पहले हुए थे, अभी जो पिच यूज हो रही है वहां पे बल्लेबाजी ट्रैक है, मतलब आपको थोड़ा बल्लेबाजी फेवर देखने को मिलेगी। वहीं यहां पे फास्ट गेंदबाजों को मदद मिल रही है, स्पिनरों को थोड़ी सी कम मदद है, जो कि अफगानिस्तान के लिए थोड़ी सी दिक्कत मुसीबत वाला काम कर सकती है, लेकिन होपफुली अफगानिस्तान के पास में एक बढ़िया स्पिन अटैक है जिसकी वजह से अफगानिस्तान कमाल भी कर सकती है। अगर इन दो ऑल ओवर ऐसे मैचेस का प्रीव्यू के बारे में अगर एक बार बात करें, तो यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे टोटल, अगर गेंदबाजी से बात करें तो पेसर ने 47 विकेट निकाली है, मतलब बहुत अच्छी खासा यहाँ पे ट्रैक देखने को मिल रहा है, जो
फास्ट गेंदबाजों को मदद कर रहा है। वहीं ऐसे बात करें स्पिन अटैक से 13 विकेट मिले, मतलब स्पिनरों को इतनी ज्यादा मदद नहीं है। गुड स्पिनर हिज ऑलवेज मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया कर रहा है कंटिन्यूसली। उसके बाद ऐसे बात करें एवरेज स्कोर की, ऐसे बात करेंगे तो बैटिंग फर्स्ट 166 आपको एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का देखने को मिल रहा है। सेकंड इनिंग का अगर एवरेज स्कोर की बात करें 140 एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है, मतलब एक बैटिंग ट्रैक आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ में गेंदबाजी फास्टर को मदद मिल रही है। स्पिनर को अगर देखिए थोड़ा सा मैं कहूंगा दोपहर का समय है, वहां पे थोड़ा बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, तो स्पिनर को थोड़ी विकेट मिल सकती है यहाँ पे, तो देख के चलिएगा स्पिनर आज कमाल कर सकते हैं। दोपहर का टाइम है, ऐसा हो भी सकता है। उसके बाद में गाइस जैसे बात करें हेड टू हेड, इनका कोई मैचअप नहीं है, तो हेड टू हेड हमारे पास में मैचअप नहीं है, लेकिन इनका ओडीआई मैचअप है उसके बारे में जरूर एक बार डिस्कस करेंगे। इन दोनों टीमों के बीच में गाइस हेड टू हेड मैचेस खेले गए हैं वनडे के मुकाबले। तो अफगानिस्तान ने 172 10 विकेट के ऊपर बनाए थे, उसी के साथ में 173 विकेट यहाँ से न्यूजीलैंड ने आसानी से चेज कर लिया था। बल्लेबाजी में ऐसे केन विलियमसन, हस्तमुल्ला सईदी, अजतुल्ला जजाई, इन्होंने बल्लेबाजी से अपना कंट्रीब्यूट किया था। वहीं विकेट में जेमी निशाम ने 5 विकेट 31 रन देकर 9 ओवर में 1 मेडिन भी लगाया था। उसके बाद में एक और मैच खेला गया था इन्हीं के बीच में, उसके बारे में ऐसे बात करेंगे तो अफगानिस्तान ने 186 रन 10 विकेट के ऊपर बनाए थे। न्यूजीलैंड ने फिर से चेज कर लिया था 188 4 विकेट के ऊपर। यहाँ पे मार्टिन गुप्टल, नजीबुल जादरान, केन विलियमसन, तो केन विलियमसन का आपको दोबारा नाम शोर है, तो केन विलियमसन आज थोड़ा कमाल कर सकती है क्योंकि स्पिन अटैक को टॉप ऑर्डर इनका नहीं खेल पाता न्यूजीलैंड का, लेकिन केन विलियमसन के पास में कैपेबिलिटी है, वो खेल सकते हैं स्कोर को। और उसके बाद में एक दो प्लेयर है जिमी निशाम, भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं और उनको आज मौका मिल सकता है। जिमी निशाम से हम थोड़ा उम्मीद लगा भी सकते हैं जल्दी, आज मैं उनकी जल्दी चांस है आज की, जल्दी उनकी बल्लेबाजी आ जाएगी। अब बात करेंगे हमारे प्रिडिक्शन के नए लेवल वाले ट्रैक के बारे में, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जो पॉइंट रहेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड के जो स्ट्रगल, न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर के हैं ऐसे मार्टिन गुप्टल, डेरी मिचेल से, या मिडल ऑर्डर के कुछ बल्लेबाजों की बात करूँ डेविन कनवे हुए या ग्लेन फिलिप्स, ऐसे बल्लेबाज हैं जो यूएई के पिचेज के ऊपर स्पिनर को अच्छे खासे नहीं खेल पाते हैं। और यहाँ से अफगानिस्तान के पास में जबरदस्त स्पिन अटैक है, तो वहाँ पर तंग हो सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अफगानिस्तान की टीम फास्ट गेंदबाजों के सामने बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, जिसका कारण यह है कि उन्होंने इतने ज़्यादा फास्ट गेंदबाजों के सामने नहीं खेले, और सामने जैसे ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने, ऐसे फास्टर गेंदबाज जो कमाल कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसे बात करेंगे न्यूजीलैंड का जो मिडिल ऑर्डर है, अभी देखिए एक मैच के अंदर चले हैं, उससे पहले उनकी इनकंसिस्टेंट नहीं थे, बिल्कुल फ्लॉप चल रही थी, कभी चल रहे थे, कभी कोई चल रहा था, कभी कोई चल रहा था, कोई भी रेगुलर 20-25 रन के पारी नहीं खेल रहा था। तो आप मिडिल ऑर्डर को थोड़ा कमज़ोर मान के चलिए, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खासा बल्लेबाजी करके देता है तो फिर यहाँ से जिमी निशाम जैसे प्लेयर को प्रमोट भी किया जा सकता है, जो कि हाँ बड़े हिट खेलने में क्षमता रखते हैं। उसके बाद वो अफगानिस्तान की वही बात है, फास्ट गेंदबाजी जो उनकी है बिल्कुल लूज चल रही है, लेकिन क्या करीम जमात जैसे नवीन उलक ये कमाल कर सकते हैं आज देखने वाली बात होगी। हमसिद सईदी भी उनके पास में है, तो अच्छे प्लेयर हैं इनके पास में, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। उसके बाद में जैसे इनके बारे में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग के अंदर, तो अफगानिस्तान के पास में सीधी सीधी बात है स्पिन अटैक का जबरदस्त है, और एक और एडवांटेज है अफगानिस्तान को यहाँ पे कि यूएई उनका दूसरा घर है, तो यूएई भी उन्होंने अच्छा खासा क्रिकेट खेला हुआ, तो यूएई में भी वो कमाल कर सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर भी। उसके बाद में ऐसे बात करेंगे गुड बैक जो इन्होंने इनका ट्रैक जो है ना, यहाँ से बात करेंगे न्यूजीलैंड के पास में अच्छा खासा फास्ट अटैक भी है, उसके साथ में स्पिन अटैक दोनों चीज़ें हैं। और बल्लेबाजी की ऐसे बात करेंगे तो जो अगर यहाँ से बात करेंगे न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी वो टॉप ऑर्डर पर ही डिपेंड करती है, ऐसे केन विलियमसन और यहाँ से डेविन कनवे थोड़ा बहुत कर लेते हैं बल्लेबाजी, उसके बाद में इनका अभी तो कोई कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ से बात करें अफगानिस्तान की, नीचे तक इतने प्लेयर हैं, यहाँ से रशीद खान भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, उनके पास में इतनी क्षमता है इनके प्लेयरों के पास में कि आज बड़ा स्कोर करके भी दे सकते हैं। एक बार अगर यहाँ से ट्रेंट बोल्ट प्लेयर को खेल गए बॉलर को, तो उसके बाद में कमाल भी कर सकते हैं। अभी गाइस ऐसे बात करेंगे न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, इसके अंदर कोई चेंजमेंट की उम्मीद है? अभी अगर ऐसे रिसेंटली बात करूँ तो कोई चेंजमेंट की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। अगर कोई चेंजमेंट वगैरह हुआ, जैसे स्टोडी की थोड़ी सी इशू चल रहा था, अभी वो ठीक है, अगर होपफुली वो गेम के अंदर खेलने वाले हैं। यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से देखिए स्टोडी का थोड़ा सा एक पॉइंट आपको जो नोट करके चलना है कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट की जो पहला ओवर लेकर आते हैं 4 मैचेस के अंदर वो कंटिन्यूसली विकेट निकाल रहे हैं, क्या इस मैच के अंदर भी निकाल पाएंगे? हो सकता है ऐसा, प्लेयर स्टोडी कमाल की गेंदबाजी कर
रहे हैं। अभी इनके प्लेइंग 11 के बारे में अगर ऐसे डिस्कस करूँ तो मार्टिन गुप्टिल, डेरी मिचेल, केन विलियमसन, डेविड कनवे, ग्लेन फिलिप्स, जेमी निशाम, मिचेल सेंटर, एडम मिल्ले, टीम शाउदी, शोडी, ट्रेंट बोल्ट, ये इनके प्लेइंग 11 रह सकते हैं। इसके अंदर जो भी चेंजमेंट वगैरह होगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट अबाउट के अंदर मिल जाएगी, जैसे आना चाहो आ जाओ, आपका टेलीग्राम के अंदर वेट कर रहा हूँ। उसके बाद में ऐसे बात करेंगे इनके जो डेप्थ के जो गेंदबाज है, देखिए यहाँ से डेप्थ की गेंदबाजी ऐसे बात करूंगा तो मैं ट्रेंट बोल्ट डेप्थ के अंदर गेंदबाजी कराते हैं, वही टीम शाउदी इनके साथ में आते हैं। जिमी निशाम को थोड़ा सा मौका मिल सकता है, वो मौका कब मिलेगा जब यहाँ से अफगानिस्तान की टीम उस मूड में होगी जब यहाँ से पिटाई हो रही होगी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की, तो हो सकता है आज ऐसा हो जाए, हम भी ऐसा ही चाहेंगे। न्यूजीलैंड देखिए, अफगानिस्तान तो यही चाहेगी, न्यूजीलैंड बिल्कुल नहीं चाहेगी, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं आज ऐसा ही कमाल देखने को मिले हमें। उसके बाद में गाइस जैसे देखिए हेड टू हेड इनका बिल्कुल भी स्टैट्स नहीं है, दोनों टीम आपस में खेली नहीं है, तो इनका T20 रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के ऑन द ग्राउंड यहाँ पे किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले हैं वो आपको देख लेना है, जिस भी प्लेयर का आपको देखना है, जैसे केन विलियम का देख लेना, आपको अच्छी खासा एवरेज देखने को मिल रहा है, बढ़िया एवरेज है ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद में आपको ग्लेन फिलिप्स का देखना है, मार्टिन गुप्टिल का देखना है तो मार्टिन गुप्टिल का देख लीजिए, डेरी मिचेल का यहाँ पर रिकॉर्ड कोई है नहीं, जिमी निशाम ने भी गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से अच्छा खासा प्रदर्शन किया। मैं न्यूजीलैंड के प्लेयरों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, इन प्लेयरों को आपको जिस भी प्लेयर का देखना है यहाँ से देख सकते हो। ट्रेंट बोल्ट का एक बार नोट कर सकते हो, इतने ज्यादा विकेट नहीं निकाली इन्होंने, 10 मैच के अंदर 10 ही विकेट निकाले, तो मतलब इतनी ज्यादा विकेट नहीं है। अब यहाँ से बात करेंगे अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 क्या रह सकते हैं, इसके अंदर एक चेंजमेंट की उम्मीद मुझे लग रही है। देखिए मुजीबुर रहमान लास्ट के 2-3 मैचेस से अभी इंजरी इशू चल रहा था, हो पुलिस मैच के अंदर वो ठीक हो जाए, वापसी कर दे, क्योंकि वो बड़े तंग करने वाले हैं न्यूजीलैंड को, क्योंकि उन्हीं से मुझे ज़्यादा उम्मीद है। रशीद खान तो मिडिल ऑर्डर के अंदर करने वाले हैं, मिडिल ओवर के अंदर आने वाले हैं, यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए अफगानिस्तान ने यहाँ से 9 मैचेस में से 8 मैच जीते हैं UAE के अंदर, यहाँ पे अगर टोटल ऑल ओवर यहाँ से वर्ल्ड कप के T20 मैचेस के सबका बात करें तो उन्होंने अच्छा खासा, मैं कहूँगा विनिंग रेशो उनका भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी टीमों के सामने इतने ज़्यादा मैच नहीं खेले तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, अदरवाइज टीम बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद में यहाँ से बात करेंगे इनके प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, हजरतुल्ला जजाई, मोहम्मद शहजाद विकेट कीपिंग सेक्शन को संभालने वाले हैं, उसके बाद में रामतुल्ला गुरबाज, नजीबुल जादरान है, मोहम्मद नबी, उनके साथ में मिडल ऑर्डर करीम जमात, के साथ में गुलाब दान नईब को ऊपर भेज दिया जाता है, ये बढ़िया बात है, नईब को ओवर भी मिल रहे हैं और ऊपर भी भेजा जा रहा है और गेंदबाजी अच्छी खासी देखने को मिली थी लास्ट मैच के अंदर। उसके बाद में बात करेंगे, शफुद्दीन अशरफ है स्पिन अटैक को संभाल रहे, रशीद खान है, शफुद्दीन अशरफ की जगह मुझे लगता है आज मौका मुजीबुर रहमान को मिल जाए, ऐसा हो सकता है नवीन अलक को कंटिन्यू कराया जाए। उसके बाद जैसे बात करेंगे नवीन अलक, मुजीबुर रहमान में से कोई एक या शफुद्दीन में से कोई एक खेलने वाला है, उसके बाद में रशीद खान है, हमीद हसन है, ये इनकी प्लेइंग में रह सकती है। इसके अंदर डेप्थ के गेंदबाजी, रशीद खान को भी मौका मिल जाता है, नवीन अलक को भी मौका मिलता है डेप्थ के अंदर गेंदबाजी की, और कभी कभी मुजीबुर रहमान अगर आते हैं यहाँ से स्क्वाड के अंदर तो उनको भी मौका मिलता है। फिर उसके बाद इसके पास इनके पास में फास्टर गेंदबाज है, बीच में करीम जमात, गुलिम नाइब, इनको कभी कभी एक एक दो दो प्लेयर को, तो ये चेंजमेंट होते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नवीन अलक को कंटिन्यूसली मिलता है, अगर वो खेलते हैं तो उनको डेप्थ के अंदर मौका मिलेगा। उसके बाद में गाइस जैसे अभी देखना है आपको अफगानिस्तान के 1-by-1 प्लेयर का रिश, या से आपको देखना है यहाँ से ग्राउंड के ऊपर ऑन द ग्राउंड किस प्लेयर का कितना जबरदस्त प्रदर्शन है आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया प्लेयर देखने को मिलेंगे ऐसे। सबसे पहले मोहम्मद शहजाद का 23 का एवरेज देखने को मिल रहा है, बढ़िया ठीक ठाक एवरेज है और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक है, स्कोर भी अच्छा खासा किया है। रामतुल्ला गुरबाज का भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यहाँ से बात करूंगा मैं नाजीबुल जादरान का जबरदस्त देखने को मिल रहा है, हजरतुल्ला जजाई का भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, उस्मान गानी मौका नहीं मिला है लेकिन ये भी बढ़िया प्लेयर है, मौका यहाँ से इन्होंने भी अच्छा खासा एवरेज देखने को मिल रहा है। वही ऐसे बात करें मोहम्मद नबी ने भी विकेटें भी ठीक ठाक निकाली है, एवरेज भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। उसके बाद में गुलाब दान नाइब का एवरेज भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, विकेट भी उन्होंने ठीक ठाक निकाले। करीम जन्नत ऐसे बात करें जन्नत का विकेट भी निकाले हैं, एवरेज बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है इस बंदे का, क्योंकि बैटिंग आने पर ठीक ठाक स्कोर कर देते हैं, लास्ट मैच के अंदर इन्होंने भी 40+ स्कोर कर दिया था। उसके बाद में शफुद्दीन अशरफ का यहाँ से विकेट नहीं मिली है, एक ओवर जरूर डाला है उन्होंने यहाँ से, एक मैच के अंदर गेंदबाजी कराई थी। उसके बाद यहाँ से बात करें रशीद खान का बहुत ज़बरदस्त आपको एवरेज देखने को मिल रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा विकेट निकाले उन्होंने, 48 ओवर के अंदर 30 विकेट निकाली है आज के मैच के अंदर, क्या इनसे उम्मीद, मैं तो बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठा हूँ। वही मुजीबुर रहमान का इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये भी गेंदबाज ज़बरदस्त है, अगर यहाँ से पिच ने थोड़ा सा बिहेवियर स्पिन अटैक को किया तो अफगानिस्तान बड़ी जल्दी समेटने में माहिर है, टीम को न्यूजीलैंड को जल्दी समेटने में काबिलियत रखती है। केन विलियमसन संभाल गए वो अलग बात है, अदर प्लेयरों को मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा स्ट्रगल करवा सकते हैं ये। उसके बाद हामिद हसन का, फरीद अहमद है, नवीन अलग का भी आपको रिसेंट फॉर्म जरूर, यहाँ से रिसेंट फॉर्म तो दिखाने वाला हूँ, उसके साथ में अभी ग्राउंड के ऊपर स्टैट्स देख लेने हैं।
अभी गाइज ऐसे दोनों टीमों की यहाँ से एक बार रिसेंट फॉर्म जरूर देखनी चाहिए आपको। हर प्लेयर की रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिस भी प्लेयर का आपके रिसेंट फॉर्म देखनी है यहाँ से वीडियो को रोको और देख लो, नोट कर लो, क्योंकि हर प्लेयर की रिसेंट फॉर्म आपको जानना जरूरी है, कौन सा प्लेयर क्या प्रदर्शन कर रहा है। अफगानिस्तान के भी 1x1 प्लेयर का रिसेंट फॉर्म आपको देख लेना है, रोकिए वीडियो को, डांटिए और यहाँ से चेक कर लीजिए। रशीद खान का देखना है, अच्छी खासी विकेट निकाले, मुजीबुर रहमान का अगर रिसेंट फॉर्म देखेंगे बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा आपको, तो ऐसे प्लेयरों का जरूर आपको रिसेंट फॉर्म देखना चाहिए। गाइज अभी यहाँ से बात करेंगे हम बाई शैल के पिक और उसके साथ में मल्टीबैगर के एक्सचेंज 22 यहाँ से सॉरी मल्टीबैगर उसके साथ में ऐसे प्रीमियम मल्टीबैगर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइज अगेन यही बोलूंगा, अपडेट आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, जुड़ना जरूरी है, लिंक आपको टॉप कॉमेंट अबाउट और यहाँ से डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगी। जैसे आना चाहो आ जाओ, टॉप कॉमेंट के थ्रू आओगे तो और भी जल्दी आप आसानी से पहुँच पाओगे, तो आ जाओ, जैसे आना है आपको, आपकी मर्जी है कैसे आना चाहो, लेकिन आना जरूरी है। आपको जो भी अपडेट वगैरह जो भी न्यूज़ वगैरह मिलेगी आपको वहीं पे मिलेगी, तो जल्दी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे बाइक के पिक के अंदर मैंने रखा परसेंटेज साइड में आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ट्रेंट बोल्ट, जेमी निशा, मोहम्मद शहजाद, रशीद खान, इन सबको मैंने अभी बाइक के पिक के अंदर रखा है। जेमी निशा का भी ऐसे बात करूँ एक उनका प्राइस कम है, उस कंडीशन में मैंने रखा है। उसी के साथ में ये इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भी दो तीन ओवर डाल देते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आज के मैच के अंदर थोड़ी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली मुझे लग रहा है, क्योंकि मैच के अंदर प्रेशर रहेगा, जेमी निशा को मौका मिल सकता है। ट्रेंट बोल्ट भी अच्छी खासी फास्ट गेंदबाजी से तंग कर सकते हैं अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर को, तो उस कंडीशन में मैंने ट्रेंट बोल्ट को रखा है। मोहम्मद शहजाद विकेट कीपिंग में देंगे और ओपनर आकर यहाँ से अगर 20-25 रन का भी आंकड़ा पार कर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है, और ये शुरुआत देंगे तो अफगानिस्तान लास्ट तक एंडिंग तक जबरदस्त कर सकती है, तो इनसे शुरुआत की उम्मीद रखी जा सकती है। उसके बाद यहां से बात करेंगे रशीद खान, गेंदबाजी से प्लस बल्लेबाजी भी इनकी आ सकती है और थोड़ा सा कैचेज वगैरह के भी इनके चांसेस होते हैं, तो वहां पर रशीद खान को मैंने यहां से बाई के पिक के अंदर रखा है। उसके बाद मैं बात करूंगा गाइज, मैंने शैल के पिक के अंदर अभी के लिए नहीं रखा है, वो बाद में एक दो पिक हम उठाएंगे, वो हम टॉस टाइम उठाएंगे या ऊपर सेक्शन के अंदर चेक करेंगे कौन सी पिक के ज्यादा प्राइस बढ़ गया है, उस कंडीशन में हम अच्छी पिक होगी वहां पर उठा लेंगे शैल के अंदर, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करेंगे हमें मल्टीबैगर, प्रीमियम मल्टीबैगर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई गाइज यहां से बात करेंगे हम मल्टीबैगर पिक के अंदर बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको नाम शोर है मार्टिन गुप्टिल को मैंने रखा है शेप पोजीशन के अंदर, केन विलियमसन को रखा है, ट्रेंट बोल्ट को रखा है, तीनों अपनी टीम के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इसीलिए मैंने रखा है। उसके बाद मैं बात करूंगा मीडियम सेक्शन के अंदर रशीद खान, मोहम्मद नईब, और यहां से बात करेंगे अगर थोड़ा और देंगे गुलाब नईब जैसे प्लेयर है तो अफगानिस्तान की तरफ से ये प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, इनको मैंने रखा है। उसके बाद टीम सऊदी को मैंने अभी के लिए सस्पेंसिव प्लेयर रखा है, बाद में हम डिस्कस करेंगे टीम सऊदी को रखना है या नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे पिच को देखते हुए टीम सऊदी को रखेंगे नहीं रखेंगे सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टीम सऊदी को अभी आपको नहीं पिक करना है, ये मेरी सलाह है आपके लिए, अगर आप पिक करके रखना चाहो तो वो कर सकते हो, वो अपडेट आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ से बात करें डिफरेंशियल पिक के अंदर मैंने मोहम्मद शहजाद को अभी के लिए मौका दिया हुआ है, जेम्स निशाम को मैंने मौका दिया हुआ है, डेरी मिचेल, गुलाब नईब में किसी एक प्लेयर को उठाना चाहता हूँ, डेरी मिचेल गेंदबाजी नहीं करा रहे उस कंडीशन में मैं गुलाब नईब को ही ट्राई करने वाला हूँ, तो डेरी मिचेल और गुलाब नईब, यहाँ से बल्लेबाजी जरूर डिपेंड करेगी कौन सी टीम पहले गेंदबाजी करे कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करे, वो सब कुछ डिपेंड करेगा टॉस टाइम के ऊपर ही, आपको यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर जुड़ना जरूरी है क्योंकि वहीं पे आपको अपडेट मिलने वाली है। उसके बाद में गाइस जैसे लास्ट सेक्शन के अंदर बारे में बात करने से पहले अगर आप टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़े हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जल्दी जाओ यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आपको टॉप कमेंट अबाउट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आना चाहो यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है यार, आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी के लिए ऐसे बात करेंगे प्रीमियर मल्टीबैगर के अंदर मैंने रखा है रशीद खान को, सबसे पहले मेरी जो पिक रहेगी टीम की तरफ से गेंदबाजी, बैटिंग का भी यहाँ से थोड़ा चांस मानकर चल सकता हूँ मैं, उसके साथ में इनसे थोड़ी बहुत ऐसी कैचेज के भी अच्छे खासे मैं कहूँगा पॉइंट से उम्मीद मुझे लग रही है, तो यहाँ पे मैंने रशीद खान को रखा है। उसके बाद वैसे मैंने केन विलियमसन, मोहम्मद नईबी में से किसी एक प्लेयर को उठाने वाला हूँ, अगर यहाँ से बल्लेबाजी कोई टीम जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो मोहम्मद नबी को नहीं रखने वाला, फिर मैं केन विलियमसन को रखने सॉरी यहाँ पे मोहम्मद नबी की टीम यहाँ से अगर थोड़ा सा बल्लेबाजी पहले कर रही है तो मोहम्मद नबी को रखने वाला हूँ, अगर सेकंड कर रही है तो मोहम्मद नबी को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, या आप एक चीज़ अगर मान के चलेंगे तो देखिए मोहम्मद नबी की कब गेंदबाजी 4 ओवर रन के चांस है, देखिए स्कोर अगर मेन करेगी अफगानिस्तान की टीम तभी यहाँ से मोहम्मद नबी के 4 ओवर आने के चांस है, अदरवाइज चांस तो बिल्कुल नहीं है, या फिर उनको सेकंड इनिंग के अंदर वो बल्लेबाजी करे तो उसी कंडीशन में है, तो मोहम्मद नबी सेकंड इनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट ही होते हैं, वो सब कुछ यहाँ से यार थोड़ा सा है ना पिच का जरूर देखना होगा क्योंकि पिच अगर फास्टर को मदद कर रहे तो मोहम्मद नबी हो सके अपने ओवर काट के किस फास्टर गेंदबाजों को मौका दे, तो उस कंडीशन में हम फिर केन विलियमसन को ट्राई करने वाला हूँ, ये सब कुछ डिसाइड है हम टॉस के टाइम डिसाइड करेंगे, टेलीग्राम के अंदर डिसाइड करेंगे, तो वहाँ पर जरूर पहुँच जाएगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रही तो
वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगेन यही बात बोलूँगा, किसी भी जो पैसे में आपको प्रीमियम पैसे में बिल्कुल आपको जो पिक्स दे रहा है उसके साथ में बिल्कुल मत जुड़ना, आपसे रिक्वेस्ट है ये मेरी। और हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहें तो आपके लिए वेलकम है, आ जाइए हमारे साथ में जुड़ जाइए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग।